जॉनी लीवर को कौन नहीं जानता, सिर्फ टीवी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की दुनिया में भी अपने चुलबुले अंदाज और हंसी मजाक के लिए वह बहुत फेमस हैं। पर क्या यहाँ तक पहुँचने का सफर इतना आसान था? शायद नहीं। तो चलिए आज हम जानेंगे जॉनी लीवर के संघर्ष की कहानी। 14 अगस्त 1957 को तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में प्रकाश राव जनुमाला और करुणम्मा जनुमाला के घर कानीगिरी आंध्र प्रदेश में जॉनी लीवर का जन्म हुआ। दोस्तों आपको बता दूं कि जिन्हें हम जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं, असल में उनका नाम जॉन राव प्रकाश राव जनुमाला है। वह अपने तीनों बहनों और दो भाइयों में सबसे बड़े हैं। परिवार बड़ा था और पिता की तनख्वाह कम, इस कारण जॉन को अपनी पढ़ाई अधूरी ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि वह बच्चों में सबसे बड़े थे और उन पर भी कुछ जिम्मेदारियां थी। इसलिए जब वह सातवीं कक्षा में थे तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई की सड़कों पर छोटे मोटे काम करने लगे। जैसे उन्होंने पेन बेचना शुरू किया। वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बॉलीवुड के एक्टर्स की नकल करते और उनके गानों पर नाचते ताकि ज्यादा से ज्यादा पेन बेच सकें। उन्होंने हैदराबाद के याकुटपुरा से कॉमेडी एक्टिंग सीखी। कुछ समय बाद वे अपने पिता के साथ ही हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में काम करने लगे। उन्हें जब भी खाली समय मिलता तब वे अपने साथियों को बॉलीवुड के एक्टर्स की नकल करके उनका मनोरंजन करते। एक फंक्शन के दौरान जब उन्हें उनका टैलेंट दिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के कुछ सीनियर अफसरों की नकल की, जिसके बाद उन्हें नाम दिया गया जॉनी लीवर और उन्होंने भी इस नाम को दिल से अपना लिया और बॉलीवुड में भी इसी नाम के साथ अपनी पहचान बनाई। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में काम करने के 6 साल बाद 1981 में उन्होंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि वे अपने शोज के कारण जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे और उस समय तक वे अपने शो से अच्छी खासी कमाई करने लगे थे। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा वगैरह में स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह शो में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह पॉपुलर होने लगे। तब उन्हें कल्याण जी और आनंद जी का ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिला और उन्होंने उनके साथ दुनिया भर में कई शोज किए। जॉनी लीवर को भारत का पहला स्टैंड अप कॉमेडियन भी माना जाता है। 1982 में उन्हें अमिताभ बच्चन जी के साथ कुछ शोज करने का मौका मिला। ऐसे ही एक शो के दौरान उनकी मुलाकात हुई एक्टर सुनील दत्त से, जिन्होंने उन्हें फिल्म दर्द का रिश्ता में रोल ऑफर किया। उससे पहले जॉन टीवी पर भी आने लगे थे और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। उनकी पहली मूवी जो सिनेमा में आई थी वह थी तुम पर हम कुर्बान। इसके बाद वह फिल्म दर्द का रिश्ता में नजर आए। इसके बाद वह और मेहनत करते गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक वह 300 से भी ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। वह रियलिटी कॉमेडी शो के जज भी रह चुके हैं और कई सीरियल्स में अपने टैलेंट को दिखा चुके हैं। जॉनी लीवर की कहानी यह सिखाती है कि भले ही आपकी शुरुआत छोटी हो, पर बड़े सपने देखना कभी मत छोड़ना और उन सपनों को पाने के लिए मेहनत करते रहना। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।